नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जिस तरह आखिरी ओवर डाला, उसे आने वाले समय में भी सर्वश्रेष्ठ आखिरी ओवरों में गिना जाएगा। कार्तिक त्यागी ने स्पीड और सटीक यॉर्कर की बदौलत अपनी टीम को हारी हुई बाजी जिता दी, जिसके बाद उनकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। लोग उनकी तुलना दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेटली से कर रहे हैं। वहीं टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी त्यागी की तारीफ की है। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेब्यू करने वाले कार्तिक त्यागी ने यहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। घर की आंगन से क्रिकेट की शुरुआत करने वाले त्यागी आज दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम में चर्चित खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि कार्तिक त्यागी के इलाज के लिए उनके पिता को पूरी जमीन तक बेचनी पड़ गई थी। चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के धरौना गांव में जन्मे कार्तिक त्यागी का बचपन भी एक गांव में रहने वाले आम लड़के की तरह ही था, जो किसानी में अपने पिता का हाथ बटाता था, अनाज की बोरियाँ उठाता था और खेतों में फावड़ा चलाता था। लेकिन कार्तिक त्यागी का जुनून क्रिकेट की तरफ भी था। किसान परिवार से आने की वजह से शुरू में तो घर वालों ने अपने लड़के की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कार्तिक त्यागी की जिद के आगे पिता योगेंद्र त्यागी बेबस हो गए और उन्होंने हापुड़ की क्रिकेट स्टेडियम में कार्तिक का दाखिला करा दिया। अच्छी हाइट होने की वजह से कोच विपिन वत्स ने कार्तिक त्यागी को तेज गेंदबाजी करने की सलाह दी। कोच की बात मानते हुए कार्तिक त्यागी ने लगन से गेंदबाजी शुरू कर दी, लेकिन वार्मअप के दौरान फुटबॉल खेलते हुए कार्तिक त्यागी ने पैर पर फ्रैक्चर करवा लिया। शुरू में लगा कि चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार ने किसी तरह दिल्ली में डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन वहां से भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उनके पिता ने जमीन बेचकर उनका इलाज कराया। अपने चोट के बारे में कार्तिक त्यागी कहते हैं, फुटबॉल खेलने के दौरान मैंने अपना पैर फ्रैक्चर करवा लिया था। इलाज के लिए इधर से उधर भागे, पैसों के लिए भी कई लोगों के पास जाना पड़ा। चोट के 5 महीनों बाद मैंने UPCA से NCA भेजने की सिफारिश की, लेकिन वहां का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ा। मेरे इलाज के लिए पिताजी को 2.5 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। अब मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। जब टीम वार्मअप के दौरान फुटबॉल खेलती है तो मैं अब दूसरा खेल खेल लेता हूं। बता दें, 2016 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत करने वाले 21 वर्षीय कार्तिक त्यागी का संघर्ष बेशक बड़ा रहा, लेकिन अब IPL में राजस्थान के रॉयल गेंदबाज बन गए हैं, जिन पर कप्तान संजू सैमसन को पूरा भरोसा है। दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर अब उनके प्रशंसक बन चुके हैं। पिछले सीजन में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कार्तिक त्यागी की तारीफ करते हुए उन्हें भविष्य का ब्रेटली बताया था। बेन स्टोक्स का कहना था कि कार्तिक त्यागी का रनअप बिल्कुल ब्रेटली के जैसा ही है। वहीं खुद ब्रेटली ने कहा था कि कार्तिक का एक्शन उनके जैसा है। कार्तिक त्यागी भी ब्रेटली को अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन उन्हें भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी भी बेहद पसंद है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।